प्रणाम नमस्ते सत श्री अकाल भी करता हूं। फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी पीएम मोदी वेलकम G20 लीडर विद डिफरेंट स्वैग वॉच फर्स्ट रिएक्शन ऑफ वेलकम। और इंडी प्लस न्यूज की वीडियो जी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शुक्रिया बॉस हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर विदेशी मेहमान आए हैं। आपके घर कोई अगर मेहमान आता है तो आप समझ सकते हो कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब आपके मेहमान आते हैं, आपको एक अपने घर के अंदर अलग ही वाइब्स देखने को मिलती है। वही वाइब्स आज पीएम मोदी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पूरा देश एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि विदेशी मेहमान आज भारत आए हैं। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं एक एक विदेशी मेहमान की, एक एक करके जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट आज निकली। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए आईएमएफ की चीफ क्रिस्टियाना जॉर्जिवा की, जो बेसिकली पॉपुलर हो गई थी भारत के अंदर क्योंकि इन्होंने डांस भी किया था। और ये आज ऐसे चल रही है जैसे कोई ये चल नहीं रही है, इन्हें कोई चला रहा है। उड़ती उड़ती आ रही हैं और आते ही जैसे पीएम मोदी को ये देखती हैं तो सबसे पहले दोस्तों ये अपने दोनों हाथ जोड़ती हैं और नमस्कार करती हैं। और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं कि दोस्तों बंदे का पता लग ही जाता है कि बंदा यार कैसे है। इसने दूर से सबसे पहले नमस्कार की और भागी भागी आई पीएम मोदी के, फिर हैंडशेक किया और पीएम मोदी भी बहुत हंसी से इन्हें मिले। और पीएम मोदी जो बात कर रहे हैं, हमें पूरा श्योर है कि ये क्रिस्टियाना को यही कह रहे होंगे कि आपने भारत के अंदर डांस बहुत फेमस किया, आज भारतीय आपको याद कर रहे हैं और आप स्टार बन चुकी हैं भारत के अंदर। और यही कारण है कि वो एक यही बातें चर्चा कर रहे हैं। और वाकई में दोस्तों दिल जीत लिया है क्रिस्टियाना ने और बेसिकली इनका वेलकम इस तरीके से हुआ। फिर दोस्तों तस्वीरें निकलती हैं यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन की। वो बेसिकली आते हैं और काला चश्मा लगा कर आए हैं। भाई साहब, शेखों का तो स्वैग ही अलग है। स्वैग अलग क्यों है बस ये भैया शेखों का, भैया इनका तेल बिक रहा है महंगा, यही कारण है कि ये काला चश्मा पहनकर आते हैं। भाई साहब, आजकल तो जो बाइडन भी इस समिट के अंदर काला चश्मा पहनकर नहीं आते हैं, शेख काला चश्मा पहनकर आते हैं। भैया ये स्वैग ही है। और यही कारण है कि पीएम मोदी जैसे ही शेख जी को देखते हैं तो वो कहते हैं वाह वल्ला वल्ला अल हबीबी, और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि आइए मेरे शेख साहब, और बेसिकली हैंड शेक करते हैं और सीधा गले मिलते हैं। यही कारण है कि दोस्तों जिनके साथ दिल का कनेक्शन होता है ना, उसके साथ गले ही मिला जाता है। और पीएम मोदी अगर गले ना मिलते ना तो उनके अंदर रह जाता है यार मैं गले नहीं मिला। फिर दोस्तों तस्वीरें देखिए आप जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की। अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब ये भारत के अंदर कोई G20 का ऑफिशियल का समिट चल रहा है या कॉस्ट्यूम डिजाइन की है कोई यहाँ पर रैली निकल रही है। यहाँ पर जर्मनी के चांसलर जो हैं ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, आपको देखकर हंसी आ सकती है, लेकिन इन्होंने कोई जोक नहीं किया है। दरअसल इनके साथ एक दुर्घटना हो गई। ये दोस्तों लीडर यूरोपियन यूनियन के जर्मनी के हैं। जर्मनी वो जर्मनी जहाँ पर हिटलर बहुत फेमस हुआ था, उसकी मूछें बहुत फेमस थी, वैसे ही जर्मनी के ये चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं जिनका ये एक ब्लैक पैच बहुत फेमस हो रहा है। हालांकि इन ब्लैक पैच के पीछे ये इंसिडेंट हुआ, ये एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन मॉर्निंग वॉक के अंदर इनके साथ एक दुर्घटना हुई और इनकी आंख पर चोट आ गई। और यही कारण है कि वो चोट को छुपाने के लिए इन्होंने एक पैच लगाया। और फिर वो पीएम मोदी से आकर मिलते हैं और वो पूछते हैं, पीएम मोदी उनसे पूछते हैं कि भैया क्या हो गया आंख पर, आप देख रहे हो। और फिर वो कहते हैं कि बस चोट लग गई। और फिर वो पीएम मोदी कहते हैं कि अब ठीक है या नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ। तो इसके बाद दोस्तों अगली आती हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों नारी शक्ति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है इटली की प्राइम मिनिस्टर के अंदर। दोस्तों इनकी वॉक देखिए कितनी जबरदस्त वॉक है। महिलाएं अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस आप अपनी जिंदगी के अंदर लाइए। और क्या है दोस्तों इस G20 के समिट से आप क्या निकाल लोगे, इन लीडरों को देखकर दोस्तों कॉन्फिडेंस देखो, इनका कॉन्फिडेंस कितना है। ये वो लोग हैं जो आपके फ्यूचर का फैसला करते हैं और ये जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं उसकी जिंदगी से आप सीख सकते हो। अब ये महिला इटली की प्राइम मिनिस्टर भी है और यहाँ पर G20 के समिट के अंदर सारे मेल ऑफिशियल हैं, उनके बीच कितने कॉन्फिडेंस से आ रही है।
और यही कारण है कि पीएम मोदी से जब वो मिलती है तो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। पीएम मोदी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी उनसे हैंडशेक करती है और पीएम मोदी को जोक मारते हैं जॉर्जिया मेलोनी को। यही कारण है कि फिर अच्छी तरीके से दोनों के बीच हंसी होती है। पीएम मोदी ऐसे कभी नहीं हंसे किसी भी लीडर के साथ। और यही कारण है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर का जो एक ओरा है वो ओरा ही अलग है भाई साहब। इनकी ड्रेसिंग सेंस आप देख लीजिए, कोई महिला ऐसी नहीं है जिनकी ड्रेसिंग सेंस इस तरीके से हो। और यही कारण है कि नारी शक्ति का एक बहुत अच्छा प्रतीक है और महिलाओं को, भारत की महिलाओं को इस तरीके का कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। भारत की महिलाएं डरती रहती हैं बेचारी की, वो एक ह्यूमन है क्या कर देगा, कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। इस तरीके का आप कॉन्फिडेंस लाइए। अब दोस्तों तस्वीरें देखिए यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की। भारत मंडपम के अंदर ये एंट्री कर रहे हैं, ऐसा कौन कह देगा कि ये अंग्रेजों के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई साहब। ये भारतीय मूल के लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हमारे गली मोहल्ले में से कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान यहाँ G20 के अंदर पहुंच गया है। जी नहीं दोस्तों, ये अंग्रेजों को लीड कर रहे हैं ऋषि सुनक। और यही कारण है कि आते ही पीएम मोदी उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं कि वाह भैया तुमने देश का नाम रोशन कर दिया यार, तुमने वाकई में ही अंग्रेजों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनकर आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे वो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे लेकिन ऋषि सुनक से वो हिंदी में बात कर रहे थे। फिर दोस्तों अगली तस्वीर आप देखिए कि G20 के अंदर चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं और उनके पहुंचते ही एक अच्छा वेलकम किया जाता है पीएम मोदी के द्वारा और हैंडशेक होता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है। और उसके बाद एक ठीक है बस आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। शी जिनपिंग आते तो पीएम मोदी अलग एक वेलकम करते, लेकिन ज़रूर वो कह रहे होंगे कि शी जिनपिंग को क्यों नहीं भेजा, तो वो कह रहे होंगे कि भैया अब वो नहीं आए तो मैं आ गया। चलो इसके बाद आप तस्वीरें देखिए US प्रेसिडेंट जो बाइडन की। वाकई में दोस्तों काला चश्मा लगा रखा है जो बाइडन ने और ये प्रूफ हो गया है। शेखों ने भी लगा रखा है और जो बाइडन ने भी लगा रखा है और जैसे ही ऑफिशियल उनको बताते हैं कि आपका ये एक रास्ता है तो वैसे वैसे वो चलने लगते हैं। और फिर जो बाइडन जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही चश्मा उनके चेहरे से उतर जाता है। और यही कारण है कि हमने आपको कहा था कि शेखों ने काला चश्मा लगा रखा है लेकिन जो बाइडन ने नहीं लगा रखा है। और फिर जैसे ही पीएम मोदी से मिलते हैं तो बेसिकली हैंडशेक होता है और बातचीतें होती हैं और पीएम मोदी उन्हें एक बहुत बड़ा व्हील दिखाते हैं और इसकी ऐतिहासिक मान्यता दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर संस्कृति और विरासत का एक बहुत बड़ा भंडार छुपा हुआ है। दोस्तों पीएम मोदी और जो बाइडन एक दोस्त हैं और दोस्ती के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इतने ऑफिशियल आपने देखा किसी को पीएम मोदी ने इस विरासत के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनकी इतनी समझ ही नहीं है। जो बाइडन एक समझदार इंसान है, 80 साल इनकी उम्र हो गई है और इन्होंने दुनिया के अंदर जितने भी शोशे हैं उन शोशों का इस्तेमाल करके देख लिया है। यही कारण है कि जो विरासत वाली चीजें हैं एक उम्र दराज के व्यक्ति को उसको बहुत पसंद आती हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी उनको ये बातें बता रहे थे कि देखिए किस तरीके के कल्चर है हमारे भारत के अंदर। और इसके बाद दोस्तों ये जो सिचुएशन है फिर G20 के समिट के अंदर शुरू होती है और मोहम्मद बिन सलमान बेसिकली इनका अलग ही स्वैग है यार। ये भाई साहब आए हैं और बिल्कुल इनका अलग स्वैग है, आपके सामने दिख रही है तस्वीरें। और पीएम मोदी ने भी इनको गले लगाया है और मुस्लिम कल्चर के अंदर भी ये गले लगने की एक होती है रीति रिवाज, वही रिवाज पीएम मोदी ने भी अदा किया। और बेसिकली सबसे आखिरी में एक सलमान पहुंचे थे और उसी के साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के साथ वो भी G20 के समिट के अंदर पहुंच गए हैं। अब G20 का समिट शुरू हो गया है, देखना होगा क्या बड़ी डेवलपमेंट निकलती है, लेकिन अब तक की अपडेट यही थी। बड़े पुरजोश तरीके से मोदी साहब ने वेलकम किया है सबको और करना भी बनता है क्योंकि मेहमान है वो, लेकिन फिर भी पूरे पुरजोश तरीके से वेलकम किया और चाइना जो दुश्मन मुल्क है उसको भी हंस के जो है वो वेलकम किया है। ये नहीं है कि उसको कोई मतलब कुछ इग्नोर करके किया हो। और वो जो थे एनडी प्लस न्यूज वालों ने जो है ना कि ये वाली वीडियो ना बड़ी मजे वाली बनाई है, सीरियसली कहूंगा के बीच में जो अपनी बातें की हैं और उसमें जो है वो इन्होंने जोक डाले हैं बीच में और थोड़ा सा जोश दिलाने की कोशिश की है, वो जबरदस्त था। और इससे ये है कि आपकी वीडियो जो है ना वो बड़ी अच्छी और परफेक्ट हो चुकी है। बाकी वेलकम उन्होंने किया बहुत अच्छे तरीके से किया और जो पहले मतलब वो लेडी आई थी वो कहाँ की थी,
नहीं नहीं दूसरी पहली पहली जो है ना वो थी आईएमएफ की चीफ थी जिसने डांस किया था वो उसमें उकास उड़ती हुई आ रही है तो यकीन करें वो एक लगता भी ऐसे ही है जैसे वो चल के आ रही थी वैसे लगता था उड़ के आ रही है दूसरी जो आई थी उसकी बाकी पर्सनैलिटी अच्छी थी और ड्रेसिंग अच्छी थी और कॉन्फिडेंस था और बाकी हर एक इंसान में जो है ना कॉन्फिडेंस ऐसे ही होना चाहिए ये बात भी ठीक है ही है और उसके अलावा जो है वो यूएई के शेख आए और उनका अपने स्वैग है तो मतलब बात तेल है भाई तेल है उनके पास बिल्कुल तेल है उनके पास और वो ऐसे चल सकते हैं तेल है पूरी दुनिया और उसके बाद तेल निकाला मोहम्मद बिन सलमान की भी वो भी मेरे में चश्मा लगा के आए हैं तो ये लगाए उनके नहीं लगाए नहीं ड्रेसिंग उनकी ड्रेसिंग की और का हाथ एक पैर होता है बिल्कुल तो उनका भी अपना स्वैग था और उनसे भी मिले हैं और उसके बाद जो बार्डन जो आए हैं उनके साथ तो फिर जाहिर है उनकी वो चल रहे थे ऐसे ना थोड़े से तो मैं बीच में भी कह रहा था कि इनकी देखो चाल कैसी है फिर मैंने इनको बता भी दिया कि मैंने कहा इनकी एज हो चुकी है बाद में उन्होंने मेंशन भी कर दिया इंडिया प्लस न्यूज वालों ने कि 80 साल हो चुकी है हो सकता है इससे भी ज्यादा हो तो 80 साल का बताया तो मैंने कहा इसलिए इनकी चाल ऐसी है क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं ना अब वो अब बूढ़े हो चुके हैं बिल्कुल तो बाकी ये है कि सबका वेलकम बड़े पुरजोश तरीके से किया गया और दूसरी वीडियो भी हमने देखी हुई है तो उस वीडियो में भी हमने पता चला है कि समिट जो है वो कामयाब हो चुका है और ये तो उससे पहले की वीडियो और ये जो है वो सिर्फ वेलकम करने की और वेलकम बड़े पुरजोश तरीके से किया गया और मजा आ गया वीडियो देख के और एंजॉय किया और मोदी सरकार ने जो है वो सही से वेलकम किया सबका बड़े पुरजोश तरीके से सबसे हंस के मिले हैं सबसे जिनको गले लगाना उनको गले लगाया है सलाम लिया है हंस के बात की है और जो बाइडेन को तो संस्कृति सारी समझाई भी है क्योंकि वो तो पुराने दोस्त हैं और वहां पे जिक्र हुआ था एज का बाकी मजा आया मैंने देखे एंजॉय किया बिल्कुल जी मोदी साहब जो है ना खुद मैं मुझे उनके पर्सनैलिटी भी अच्छी लग रही थी अपने ड्रेस में जबरदस्त तो फिर वो एक ऐसी जगह पे खड़े थे जिसकी कोई तारीख थी जो पुरानी कोई ऐसी चीज थी वो जगह चूज की गई है ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा उसके बाद जो लगा हुआ है वो उसके बाद जो है ना जगह सजाई गई है अपने मतलब मेहमानों के लिए मुझे उसको मैं देख रहा था वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी उसका एक मतलब पूरा लुक बनाया हुआ था नीचे जो कलीन बिछे थे वो भी अलग क्वालिटी के लग रहे थे फिर झंडे साथ में लगे हुए थे फिर एक पीछे एक मूर्ति टाइप ना ऐसा बना हुआ था मतलब इंडिया जो हुकूमत है इस टाइम उन्होंने पूरा मतलब प्रोग्राम का ना सही मैनेज किया हुआ था जिसकी वजह से मतलब आने वाले गेस्ट चारों तरफ देख रहे थे हर चीज़ को मतलब यह कि परफेक्ट दिख रहा था वो भी था फिर उसके बाद वेलकम देखा जाए तो वेलकम भी बहुत ज़बरदस्त किया गया है हर पर्सनैलिटी को एक उनके मतलब जैसा मतलब एक बिहेवियर होना चाहिए था मोदी सरकार के चेहरे से ऐसा मैं देख रहा था कि मोदी साहब के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मतलब हर एक को अच्छी खुशी से मिले हैं चाइना के साथ बेशक दुश्मनी थी पर दुश्मनी इन जगहों पे नहीं देखी जाती दुश्मनी एक बॉर्डर मतलब लाइन पे एक दुश्मनी है तो वहाँ पे वो दुश्मनी रखेंगे नहीं, इंडिया क्यों है ना इंडिया जो है ना इंडिया जो है ना मतलब अभी मतलब बहुत आला सतह पे मतलब ये मतलब चल रहा है ये मतलब हर जगह को हर जगह के हिसाब से रखते हैं दुश्मनी बॉर्डर पे है तो जब मुल्की मामला होंगे तो उस दुश्मनी को देख लिया जाएगा पर अभी ये G20 थी G20 ममालक आ रहे थे यहाँ अपना चेहरे का बिहेवियर खराब करना या फिर अपनी को दुश्मनी जाहिर करना यहाँ नहीं बनता था ये मैं बात करता हूँ कि हर चीज पे फोकस है कहाँ क्या काम करना है ये इंडियन सरकार और इंडियन जितने भी लोग इस टाइम बैठ के मुल्क को चला रहे हैं उनका मैं देख रहा हूँ कि ग्रिप बहुत जबरदस्त हर मामले में ऐसा ही होता है चेहरे से मतलब हर एक के साथ अच्छा मिले हैं अच्छा बिहेवियर रखा है फिर उसके बाद ये कुछ को गले मिले हैं बाकी हमारे बात की जाए मुस्लिम जो आए थे उनकी पर्सनैलिटी अलग थी भाई पैसा है इज्जत है काम करके दिखाए अपने मुल्क के लिए तो उसी हिसाब से आए उनकी भी पर्सनैलिटी अलग थी फिर मैं मुझे जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जो लड़की आई थी ना इटालियन इटली वाली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लग रहा था मुझे एक मतलब पर्सनैलिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी फिर उनके कपड़े जो थे जो ड्रेसिंग की हुई थी वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी उनका भी अपना एक स्टाइल था जिसको देख के बहुत अच्छा लगा मुझे और उसके बाद अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मिलने का जो बाइडेन थे इनके साथ मिलने का अगर बात की जाए तो वो एक अलग था क्योंकि इंडिया की जो है ना दोस्ती जो है ना एस्ट अमेरिका के साथ बहुत हाई लेवल पे चल रही है फिर उनके साथ जो मिलना था वो एक अलग तरीके का था फिर वो बात कर रहे थे कि मतलब इनको अपनी हिस्ट्री के बारे में इनको बताया
वही ना, दोस्ती भी एक अलग तरीके की है, फिर हाँ फिर एग्रीमेंट इतने बड़े बड़े हुए हैं, फिर उनके साथ रिलेशन किसी तरीके से भी खराब ना हो, मतलब बढ़ के मतलब उनके साथ जो है ना मतलब अटैचमेंट रखी हुई इंडिया ने अपने दोस्तों के साथ, वैसे भी सबके साथ दोस्ती है, मतलब जिनके साथ एग्रीमेंट चल रहे हैं या कारोबार चल रहे हैं उनके साथ फिर एक अलग तरीके से मिलना चाहिए ना, तो वो भी इंडियन मैं वो बोलता हूँ कि हर चीज में ग्रिप है, फोकस है, कैसे करना है काम को, करने का भी एक तरीका होता है वो कर रहे हैं इंडियन, तो इंडियन सरकार जो इस टाइम चल रही है वो बहुत जबरदस्त अपने काम पे फोकस है, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और वीडियो भी बहुत जबरदस्त है जी। बिल्कुल जी, G20 के हवाले से ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेमिनार का इनकार किया गया है और इसमें मेहमानों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है। जाहिर सी बात है जब किसी के घर पे भी मेहमानों की आमद और रफ्त का हमें पहले से आइडिया हो तो हम घर को अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं, अच्छी तरह से फिर उसको हम तैयारी करते हैं कि हमने किस तरह मेहमानों के साथ मिलना गिलना है, किस तरह हमने उनको वेलकम करना है, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहमानों को वेलकम किया गया और मेहमान भी माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से और बड़ी खुशी से आ रहे थे। एक मेहमान किसी जगह पे जाता है तो जब उसकी अच्छी अवभगत होती है, अच्छी कदरदानी होती है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम उस जगह पे जाते हुए कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसका ज्यादा होता है, उसको ज्यादा खुशी होती है कि उस जगह पे जाने का। लाइक दैट वो जो IMFI की चीफ थी, इतने मतलब कि उनको इतनी मोहब्बत मिली है कि उन्होंने डांस किया, उनका डांस इतना वायरल हुआ, उनको इतनी ज्यादा मोहब्बत मिली कि दोबारा वो उड़ती हुई आ रही थी, इतने कॉन्फिडेंस से और इतनी खुशी से आ रही थी। तो उसके बाद सारे मेहमानों का अपना अपना एक अलग अंदाज था, शेहों के आने का अपना एक अलग अंदाज था। तो जो पाकिस्तान वाले शेख नहीं है ये, अरब वाले के शेख है यार, तेल वाले शेख, यहां के शेख पैसे नहीं लगाते, नहीं यहां के शेख वाले शेख हैं, ये तेल लगाने वाले शेख हैं, ये तेल ना तेल निकालने वाले, ये लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हैं, ये लगाने वाले हैं, पाकिस्तान में शेख हैं उनके बारे में, हां उनके बारे में। तो जो इटालिया की प्राइम मिनिस्टर थी वो यंग थी, एज के लिहाज से भी अभी इन सबसे छोटी लग रही थी, पर्सनैलिटी उनका अलग ही थी, कॉन्फिडेंस लेवल उनका अलग ही था, वो तो चार चांद लगा दिए सेमिनार को से प्राइम मिनिस्टर ने, तो बहुत जबरदस्त लग रही थी। तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी मोदी साहब ने बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और बहुत अच्छे तरीके से उनको मिले गिले, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंडिया अभी ग्रिप कर रहे हैं ना दुनिया पे, तो मुमकिन नहीं बल्कि यकीनन आने वाले टाइम में हुकूमत जो है ना वो दुनिया पर इंडिया की होगी, जिस तरह इंडिया मतलब कि तरक्की कर रहा है स्पीड से और लोगों के साथ ताल्लुकात तेजी से बना रहा है और ब्रिटिश पर हुकूमत कर रहा है, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बाला जी वीडियो जबरदस्त थी, बहुत अच्छा, बहुत वेलकम किया है, और मुझे हमेशा खुशी होती है कि जिस तरह वो मिलते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपना बड़ा जबरदस्त होता है मोदी सर का, क्योंकि आप जितने भी कॉन्फिडेंस लेवल में हो, जितने भी बड़े बड़े मुल्क के PM हो, जब वो उनके सामने आते हैं, एक बंदा मेजबानी कर रहा है और वो भी कॉन्फिडेंस में हो और वो भी टॉप पीक पे जा रहा है, गोल्डन एरा चल रहा है उस बंदे का, तो वो आपके सामने खड़ा है आपको वेलकम करने के लिए, एक बार तो कहीं ना कहीं जहन में आता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो ऊपर से जिस तरह की सजावट हुई पड़ी है और वो अपनी कल्चर वाली चीजें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया, और ऑन वॉल बनी हुई है, और इटालियन लड़के जो आए थे, वो पेयर जो आई थी, वो मेरे एंटर हुई थी, वो बड़े गौर से उस चीज को देख रही थी, और बार बार वो सीन रिवाइंड हो रहा था, और मैं अली भाई को ये मैंशन कर रहा था कि ये जो ऊपर योगा के स्टाइल बने हुए हैं ना संस्कृत के हिसाब से पुराने, वो उनको देख रही थी कि किस तरह है, क्या कल्चर क्या है, तो बेसिकली उन्होंने नोटिस किया है, लेकिन किसी ने फोकस नहीं किया, फोकस जो है जो बाइडन साहब उन्होंने मेरे हाल में वो उस चीज पर फोकस किया, क्योंकि उनके दोस्त भी हैं, वो बातचीत करते करते उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया कि ये अच्छा बना हुआ, ये एजेंडे में भी होगा, उसके बाद उन्होंने उसकी मोदी सर ने उनको बताया, और सबसे ज्यादा हंस के मिल रहे थे वो इटालियन लेडीज के साथ, वो गपशप कर रहे थे, उनको कोई मेरे हाल में झूठ मारा होगा, एडी न्यूज वाले ने भी मेरे हाल में मैंशन किया उसने, तो इनके जोक भी अच्छे थे, ये उसके साथ जो जोक कर रहे थे, इन नॉर्मल वे वॉक होती तो वो अपने ही हिसाब से ऑब्जर्व करना था, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है जिन पे हमारा फोकस ही जाना था, इन्होंने फोकस दिलवाया कि भाई इस पे फोकस करना, वो चश्मा लगा के आ रहे हैं शेर, शेख चश्मा घर के क्यों आ रहे हैं, उनके पास तेल है भाई, तो ये छोटे छोटे जोक थे जिनको सुन के मजा भी आ रहा था, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन इन नॉर्मल में देखा जाए तो कहीं पे भी आप इंटर करते हैं, कहीं पे भी ऐसी सैलरी चल रही होती है, ऐसा प्रोग्राम चल रहा होता है,
ज्यादातर बोर फील होता है इन रियलिटी जो है। लेकिन क्या कि वो G20 की मेजबानी कर रहा है इंडिया, इसमें बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से कर रहा है वो भी अपने आप में है। और मैंने बार बार, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि एक गोल्डन एरा में चल रहा है जो बंदा और मुल्क को लेके चल रहा है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके सामने खड़ा हो और फिर वो और मजा आ रहा था उसके ऊपर इनके जोक जो है छोटे छोटे, वो जबरदस्त और मजा आया देख के और एंजॉय किया जी। एक और चीज ये कि इतना बड़ा सेमिनार हो तो सिवाय शेहों के ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने कल्चर को लेके चलते हैं साथ, मतलब इतने सारे वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो लोगों ने थ्री पीस सूट लगाए हैं, अपने कंट्री के जो है ना कल्चर उसको नहीं अपनाया, उसको छोड़ा हुआ है, लेकिन ये शेख और मोदी साहब जो है ना इन्होंने अपने कल्चर को ही साथ रखा हुआ है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर मोदी साहब नहीं भी पहनते ना तो उनको आज पहनना पड़ना। ये तो जितने भी जितने दिन ये चलना था ना उतने दिन उन्होंने शलवार कमीज का ही वो चुस्त पजामा और उसके ऊपर वो कमीज जो है कुर्ता जो है वो उन्होंने पहना था, वो ट्रेडिशन के हिसाब से था, अगर वो दूसरी ड्रेसिंग करते। लेकिन स्टार्टिंग से उनका ये है कि वो उसको प्रेफर करते हैं कि यार ये चीज हमारे कल्चर के साथ उनको अच्छा भी लगता है। बहरहाल वीडियो जबरदस्त थी, बहुत मजा आया देख के, एंजॉय किया, और इनके वीडियो के लिंक और हमारे चैनल के लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, जाएं विजिट करें, चेक करें, रेड वाला बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में डन लिख दें, लव यू हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।